हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 में जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो नंबर 10 है, एग्जांपल्स कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा था दशमलव संख्या और उनके प्रकार, डेसिमल नंबर्स और उनके एक्सपेंशन। पहला एग्जांपल नंबर 6 के बुक में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 7/8, 10/3 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8, 10/3 और 1/7। देखो डिवाइड से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं भाग। कैसे? पहला वाला जो है वो है 7/8। कैसे करते हैं? 7 जो ऊपर होता है अंश न्यूमरेटर उसको अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर जो हर होता है उसको बाहर रखते हैं। अब भाग नहीं जा रहा तो आप क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे ताकि आप जीरो लगा सको, हाँ है ना। फिर आगे कुछ नहीं होता तो जीरो मानते हैं, ठीक है। अब 8 8 64 8 8 64 कितने बजे? 6 0 8 7 56 8 7 56 4 0 8 5 40 शेषफल क्या गया है? जब शेषफल जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, इसका मतलब डिवीजन ओवर हो गया। यानी 7/8 को क्या लिख सकते हैं अपन? 0.875। ये कैसा दशमलव संख्या है बताओ? शांत दशमलव संख्या। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर बेटा बात? ऐसे डिवाइड करके पता लगाना होगा। दूसरा देखो 10/3, 10/3 तो 10 तो अंदर और 3 बाहर, 3 3 9, 3 3 9, 1 1 0 पॉइंट, क्योंकि 0 आपने ये तो पहले से था 0, ये 0 आपने अपनी मर्जी से उतारा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा था। 1 में डिवाइड कहाँ हो रहा 3 का, तो 0 उतारा तो पॉइंट लगा दिया। फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 0, अपॉइंट नहीं आया, अपॉइंट एक बार जाता है। अब तो 3 3 9, ठीक है, फिर 1 0, 3 3 9, 1 0। मतलब ये कार्यक्रम ऐसे चलता जाएगा। तो अपन इसमें 10/3 को 3.33333 यानी 3. डेसिमल के बाद क्या रिपीट हो रहा? 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो 3.3 का बार कैसे कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग है और कैसा है? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यानी अशांत है करता चला जा रहा है और क्या है? आवर, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ठीक है। आगे बात समझे, ऐसे डिवाइड करके पता लगा। ये दो तो का एक और बचा है 1/7, 1/7 का हो गया। थर्ड 1/7 बाहर और 7 बाहर और 1 ऊपर अंदर, जीरो लगाया 1 देखो रिपीट हो गया 1 7 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7
24/7 इसी तरीके से ये रिपीट होता है। तो कैसा है ये, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 0.142857। इस पूरे में 12 की पूरी चीज रिपीट होती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, अशांत चलता चला जा रहा है और आवर्ती रिपीट हो रहा है दशमलव। ठीक है, आगे बात समझे, ऐसे डिवाइड करके हम पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें डिवीजन लंबा करना होगा या तो पता चल जाए, दो चार के बाद नहीं चले तो करते चले जाओ। ठीक है, ध्यान रहने की बात, कम से कम 5-7 तक करोगे तब पता चलता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 अगला देखिए, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जिसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं। देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट 3.142678 रिप्रेजेंट दिस इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर ये रैशनल नंबर है तो सो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में करेंगे, जब पी और क्यू क्या होगी, कोई भी पूर्णांक इंटीजर होगी। ठीक है, तो कैसे देखो ध्यान से समझो बात को, एग्जांपल नंबर 7 3.142678। देखो सबसे पहले सब पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 आप देखो, देखो अबाउट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज दे आर इट इज रिप्रेजेंट, इट इज in the form of p upon q, where p 3 1 4, p upon q number is the previous of 3 1 4 2 6 7 8 upon, ठीक है, p ये हो गया and q आर इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल्स टू, देखो हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, और पी ये रहा और क्यू ये रहा, जो कि इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं है। पर वाली संख्या परिमेय संख्या है क्योंकि यह p बटा q रूप की है, जहां p तथा q पूर्णांक एवं q बराबर है। तो वे बात इसलिए परिमेय संख्या है, पॉइंट हटाओ, जो शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है तो पॉइंट हटाओ, है ना, और इस तरीके से चलो। ठीक है, अरे बात समझे, कोई दिक्कत, ये टर्मिनेटिंग शांत दशमलव संख्या के लिए तरीका। ठीक है ना, अगला दिखाइए कि जिसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब ये जा रही है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आया ना, अशांत
आवर्ती दशमलव संख्या हमें बताते हैं परिमेय होती है ना, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर देंगे। ठीक है, कैसे देखो एग्जाम्पल नंबर एट, मान लो माना लेट ध्यान देना x बराबर 0.33333 डॉट पर कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं हम एक। अब अपन को ये देखना है कितनी चीजें रिपीट कर रही है डेसिमल के बाद, कितने अंक पुनरावृत्ति कर रहे रिपीट हो रहे हैं, एक तीन, तो एक का मतलब 10 से, अगर दो रिपीट करते तो 100 से, तीन रिपीट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते गुणा करते ऊपर नीचे मतलब दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई अबाउ इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बी के उपयुक्त समीकरण एक को 10 से गुणा करने क्या प्राप्त होगा, 10 एकम 10 एक्स, 10 से गुणा करोगे तो पॉइंट इधर एक अंक टूट जाएगा, 100 से करते तो 2 अंक, 1000 से करते तो 3 अंक, तो ये 3.33333। देखो आप कहोगे इधर इधर 5 है सर, इधर भी 5 है, एक तो आगे आ गया ना, तो ये तो खत्म थोड़ी कर रहे, तो चलते चले जा रहे तो उतने लिख देने जितने हैं, बाय डूइंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, दो में से एक को घटा दो तो 10 एक्स माइनस माइनस 1 एक्स बराबर इधर 3.33333 डॉट डॉट जी माइनस 0.33333 घटा क्या है 9x बराबर घटा दो 3 में से 0 जाएगा 3.000000 ये चलता जाएगा 9x बराबर 3.00 पॉइंट घटा दो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, x बराबर जो मल्टीप्लाई में काट जाएगा डिवाइड में गुणा वाला भाग तो 3 एकम 3 3 3 x बराबर x का मतलब किसको माना था हमने 0.33333 डॉट 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 बराबर कितना जाएगा 1 घटा 3 हो गया ना पी बट अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज आई नहीं आई बात समझ में, सबके बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है कर लेंगे, चलो अब अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है ध्यान देखिए, अगला एग्जाम्पल नंबर 9 इसको दिखाना है 1.272727 डॉट 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 एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है कितने कितने डिजिट कितने अंक रिपीट कर रहे हैं 2 272727 ठीक है ना, तो 2 का मतलब 100 से किस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 100 से कहते होगा 100 बन जाए 100x 100 से इससे करोगे तो एक दो डिजिट हो जाएगा 127.272727। फिर आप सोचोगे कि इधर जितने ये है उतने ही आए तो आगे कितना है, तो ये तो इनफाइनाइट है अनंत है। ठीक है अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो 100x माइनस 1x बराबर 27.272727 और तब ऊपर वाले में कितना 1 तो 1 यहाँ आएगा, यहाँ पर कितने से आगे 1 पॉइंट नीचे पॉइंट 27 माइनस कर लो क्या होगा ये 99x ये 126.000000 99x इक्वल टू 126 x इक्वल टू 126 अपॉन ठीक है 9 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
एक्स बराबर 1.27272727 डॉट 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 बराबर 14/11। तो बिना परिमेयधन के आओगे ना रैशनल नंबर, क्यों? ये कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टी। आ रही है आपके बात समझ में? मुश्किल नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको हार्ड लगती है तो आप उसका वीडियो बार 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 देख लें। हरी मेरी बात समय बार 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 देखेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में इस पर और एग्जांपल कराएंगे, एक्स्ट्रा भी कराएंगे, क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए देंगे। ठीक है, पहले इसको ध्यान से देखें, इन्हीं को उतारें और करते रहें, पढ़ाई करते रहें।